उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना क्रेज है, कितनी लोकप्रियता है, इससे तो हर कोई वाकिफ है। योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे यूपी की पहचान बनते जा रहे हैं। योगी उन नेताओं में से है जिनके काम के बारे में, जिनके अंदाज के बारे में पूरा देश जानता है। अब सीएम योगी की लोकप्रियता का एक और मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक शख्स ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीएम योगी का जनता दरबार लगा हुआ था और जनता दरबार में एक युवक को जाने से रोक दिया जाता है। उसके बाद युवक ने जो किया वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल नाराज युवक गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे मोबाइल टावर पे चढ़ गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। और युवक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलने दिया जा रहा था। क्यों मिलना चाहता था युवक और क्या थी उसकी फरियाद, ये जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मैनपुरी का रहने वाला नौशाद अपनी फरियाद सुनाने सीएम योगी के जनता दरबार में जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने उसे जाने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर नौशाद टावर पर चढ़ गया। नौशाद अपने साथ शिकायती पत्र भी लाया था। पत्र में लिखा है कि वो 6 साल पहले उसने और उसकी पत्नी ने सनातन धर्म अपनाया था। सनातन धर्म अपनाने के बाद उसके धर्म के लोगों ने उसे झूठे केस में फंसा कर जेल भिजवा दिया। नौशाद ने पत्र में आगे लिखा कि वो मैनपुर मंदिर में ही रहता है, वहाँ सेवा सफाई का काम करता है और उसने कावड़ के वक्त जल भी चढ़ाया, लेकिन उसके धर्म के लोगों ने जल भर कर लाए कावड़ को घर नहीं ले जाने दिया, जिसके कारण युवक को जल मंदिर में ही रखना पड़ा। जिसके बाद नाराज युवक ने इसकी शिकायत एसपी से भी की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब युवक की एसपी के पास भी सुनवाई नहीं हुई तो फरियाद लेकर युवक पहुंचा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, जो युवक की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब वहां भी युवक को दरबार में न जाने से निराशा मिली तो युवक मौका देखकर टावर पे चढ़ गया। हालांकि बहुत मुश्किल के बाद युवक को टावर से उतारा गया और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तरीका थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन काम हो गया। अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनकी फरियाद को जान जाएगा और अब इस हरकत से फरियाद सुनी जाने की उम्मीद भी बढ़ गई है। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।